तो कैसा रहा टप्पू की एंट्री का पहला एपिसोड? वेल दोस्तों, टप्पू की एंट्री हो चुकी है, लेकिन तारक मेहता शो के अंदर नहीं, बल्कि पुष्पा इम्पॉसिबल शो के अंदर। तो वैसे इस बात में कोई डाउट नहीं है कि तारक मेहता शो को छोड़ने के बाद भव्य गांधी ने करीब 7 साल बाद एंट्री की। और जब उन्होंने टीवी पर एंट्री की है, वो भी सब टीवी के शो पर ही की है, जो कि पहला एपिसोड काफ़ी धमाकेदार रहा। सभी लोग भव्य गांधी की पहली झलक टीवी पर देखने के लिए वेट कर रहे थे। कोई डाउट नहीं कि लोगों ने तारक मेहता शो को छोड़कर पुष्पा इम्पॉसिबल शो को देखा होगा, ताकि वो टप्पू को विलन के किरदार में देख सकें। और यहाँ पर टप्पू ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। उन्होंने जितना तारक मेहता शो के अंदर इस किरदार से खुद को प्रूफ किया था, वही प्रूफ उन्होंने पुष्पा इम्पॉसिबल शो के अंदर एक विलन के किरदार में किया है। नेगेटिव किरदार में भव्य गांधी की एंट्री काफ़ी धमाकेदार रही, और किरदार काफ़ी शाइको टाइप का है, एकदम पागलपन वाला, जो कि अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। गाइस, मैक्सिमम फैंस ने भव्य गांधी को पहली बार ऐसे नेगेटिव किरदार में देखा होगा, एंड गाइस वो भी सोच में पड़ गए होंगे कि भव्य कोई ऐसा किरदार भी प्ले कर सकते हैं, क्योंकि मासूम सा दिखने वाला टप्पू इतना खतरनाक भी हो सकता है, ये उन्होंने पहली बार देखा होगा। वेल दोस्तों, आपने टप्पू का ये रोल देखा या फिर नहीं? गाइस, आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट में जरूर बताएं। और क्या आप भव्य गांधी को आगे पुष्पा इम्पॉसिबल शो के अंदर देखना चाहते हैं? ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं।